आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। 5-500 में खरीदे 22 बच्चे, करवाते थे 18-18 घंटे काम। आइए जानते हैं जयपुर में बिहार के मासूमों की दर्द भरी कहानी। राजस्थान का जयपुर शहर या जगह न केवल पिंक सिटी के नाम से मशहूर है, बल्कि यहाँ हवा महल, जल महल और आमेर फोर्ट जैसे कई आकर्षण के केंद्र हैं। इसके अलावा यहाँ बने लाखों के आभूषण तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक मशहूर हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जिन लाखों के गहनों को महिलाएं इतने चाव से पहनती हैं, उन्हें बनाने में ना जाने कितने ही मासूमों का खून पसीना बहा होता है। दरअसल जयपुर में स्थित भट्टा बस्ती से ऐसे ही 22 मासूमों को 12 जून के दिन पुलिस और एक बाल संस्था रेस्क्यू किया, जिनसे जबरन लाखों के गहने बनवाए जा रहे थे। ये बच्चे खुशी से ये काम नहीं कर रहे थे, बल्कि पढ़ने और खेलने की उम्र में ही इनसे इनका बचपन छीन लिया गया। पुलिस ने जिन मासूमों को रेस्क्यू किया वे सभी बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। रेस्क्यू के बाद जब बाल संस्था और पुलिस को पता चला कि इन मासूमों से दिन के 18 घंटे काम करवाए जाता था और खाने के नाम पर सिर्फ खिचड़ी दी जाती है, वह भी दो वक्त की, तो पुलिस कर्मी भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। बच्चों ने बताया कि उन्हें एक शख्स जिसका नाम सहनवाज उर्फ गुड्डू है, उसने उनके माता पिता को महज 500 रुपये देकर खरीद लिया और बिहार से यहाँ ले आए काम करवाने के लिए। इससे जुड़े जानकारी के लिए देखते रहिए दी लोकल जर्नलिस्ट।